आपका क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट फाइव टर्म्स, क्या है? ए वन इज इक्वल टू माइनस वन, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन बाई एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए टू, तो आपको नेक्स्ट फाइव टर्म्स निकालना है, तो ए टू, तो ए टू देखो आपका क्या आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ एन वी विल पुट टू, तो आपका आ गया ए टू माइनस वन बाई टू, तो आपका आ गया ए वन बाई टू, ए वन कितना है देखो माइनस वन, तो आपका आ गया माइनस वन बाई टू, ठीक है ना? नेक्स्ट ए थ्री, तो ए थ्री हमारा देखो कैसे आएगा, ए थ्री माइनस वन बाई थ्री, तो क्या हो गया ए टू बाई थ्री, ए टू कितना है माइनस वन बाई टू बाई थ्री, तो नीचे देखो थ्री अलोन है तो हम इसको लिख सकते हैं बाई वन। नाउ आउटर टू आउटर इनर टू इनर मल्टीप्लाई करो, तो वन इंटू माइनस वन इज माइनस वन एंड थ्री इंटू टू इज सिक्स, तो आपका आंसर इज माइनस वन बाई सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट ए फोर, तो आपका आ जाएगा ए फोर माइनस वन बाई फोर, तो देखो क्या हो रहा है ए थ्री बाई फोर दैट इज इक्वल टू ए थ्री कितना है आपका माइनस वन बाई सिक्स बाई फोर, सेम करो आउटर टू आउटर, तो आपका आ जाएगा माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर, ठीक है। नाउ ए फाइव, तो आपका है ए फाइव माइनस वन बाई फाइव दैट इज इक्वल टू ए फोर बाई फाइव, तो ए फोर इज माइनस वन बाई ट्वेंटी फोर बाई फाइव, फिर नीचे वन आउटर टू आउटर इनर टू इनर करो, तो आपका आ जाएगा माइनस वन बाई वन ट्वेंटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करते जाना है, तो आपके फोर निकल गए फाइव लास्ट वन, तो आपका है ए सिक्स, ए सिक्स इज ए सिक्स माइनस वन बाई सिक्स, तो दैट इज योर ए फाइव बाई फाइव, तो ए फाइव कितना है माइनस वन बाई वन ट्वेंटी बाई फाइव, तो देखो कितना हो रहा है माइनस वन बाई नौ, जीरो एंड ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, तो आपका माइनस वन बाई सिक्स हंड्रेड, ठीक है। इस तरह से आपको इसको करना है।